आज एक नए सिरे से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नए सिरे से क्लास स्टार्ट करेंगे, ओके। चाहे आप हॉस्टल वार्डन, एडीओ, एसआई भर्ती, सीजी व्यापम, पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बेस्ट क्लास लेकर आया हूँ। टोटल हम कितने क्वेश्चन देखेंगे? टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आज का यह वीडियो है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। यहाँ से आप एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। बने रहिएगा वीडियो पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जब भी मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल नए सिरे से। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने, छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य है? तो आप सभी को मालूम होगा जो छत्तीसगढ़ है देश का 26वां राज्य है। कौन सा राज्य है? 26वां, ठीक है। चलिए सेकंड है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी आप सभी को मालूम होगा रायपुर, ठीक है। कौन सा है? रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है, तो आप सभी को मालूम है छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कौन सा है? बिलासपुर। जितने लोगों को पता है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और आप लोग ये भी बताइएगा कि कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी या फिर व्यापम। अगर आप लोग पीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं तो आपको व्यापम आसानी से तैयारी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय देश का कौन सा है? जो छत्तीसगढ़ है, जो आपका उच्च न्यायालय है, आपका याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछता है ना, इसीलिए मैं आपको टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ। जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय देश का जो स्थान है आपका 19वां है। कौन सा है? 19वां। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना दिवस मनाया जाता है कौन सा? 1 नवंबर। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 2000, ठीक है। कब मनाया गया था? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के तौर पर मनाया गया था, और हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु, जो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है आपका वन भैंसा है। कौन सा है? वन भैंसा। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। कौन सा है? पहाड़ी मैना, याद रखना। अब छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष पूछा जाता है। देखिए सरल शब्दों में, है ना, सरल शब्दों में आसानी से, शब्दों में आसानी से आपको तौर पर, ठीक है, क्लास करा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है आपका साल, उसको छत्तीसगढ़ी में सरई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरई, याद रखना। क्या कहा जाता है? सरई कहा जाता है। छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख, जो छत्तीसगढ़ शब्द हुआ था उसका उल्लेख सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? तो सबसे पहले कौन सा राज्य में हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताएं। बिल्कुल सही है, खैरागढ़। कौन सा? खैरागढ़, याद रखना, ठीक है। छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सरकारी दस्तावेज में कब हुआ था? सरकारी दस्तावेज, याद रखना, सरकारी दस्तावेज में कब हुआ था? तो आपका होगा 1795 बिलासपुर गजेटियर में। छत्तीसगढ़ी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बिल्कुल सही आंसर है दलपत राव। कौन है? दलपत राव, याद रखिएगा, कमेंट ना करें दोस्तों यहाँ पर ना, दलपत राव। समय आपको कल मैं बता दिया था 7:30 से लेकर 8:30 के बीच में जो क्लासेस रहती है ना, वही टाइम है। देखिए ये एग्जाम में आता है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना का समावेश किसने किया था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने, सुंदरलाल शर्मा जी, याद रखना, सुंदरलाल शर्मा जी, ये आपका आएगा आंसर। और छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की मांग, ये हमेशा एग्ज़ाम में आता है, छत्तीसगढ़ के प्रथम, छत्तीसगढ़ का कौन है, क्या है, एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर आता है। देखिए छत्तीस जो भी क्वेश्चन आता है मैं वही क्लास करा रहा हूँ ना।
छत्तीसगढ़ राज्य की जो मांग विधानसभा में उठाने वाले प्रथम विधायक कौन है? तो डॉक्टर रामकृष्ण सिंह है। याद रखना, एग्ज़ाम में आता है, जितने भी लेकर आया हूँ ये सभी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ओके, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किस सन में हुआ था? देखिए, जो महासभा का गठन हुआ था आपका 1956 में, याद रखिए, जो महासभा का गठन हुआ था, एग्ज़ाम में पूछा गया है और एग्ज़ाम में आया भी है व्यापम का, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो महासभा का गठन हुआ था 1956 में हुआ था। छत्तीसगढ़ में कितने वर्ष तक मध्य प्रदेश का अंग था? तो आप सभी को मालूम है ये आपका 44, कितना है? 44 वर्ष। याद रखना, एग्ज़ाम में पूछा है, जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ डेली आपको 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएगा, जिसमें आपके पीएससी और व्यापम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में शक्कर के कारखानों की संख्या कितनी है? तो 4, ठीक है। अभी हाल ही में 5 है, लेकिन पहले एग्जाम में पूछा गया था, तो 4 होगा। नानघाट किस नदी के किनारे स्थित है? जो नानघाट है आपका शिवनाथ नदी, कौन सा? शिवनाथ नदी, ठीक है। कौन सा नदी? शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है, आपका आंसर सी होगा। देखिए, यहाँ पर क्लासेस में जो कंटिन्यू है वही क्लास करते रहिएगा, या फिर नए हैं बंदे या फिर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ की कृषि जलवायु प्रदेश है उत्तरी पहाड़ी, छत्तीसगढ़ का मैदान और बस्तर का पठार, ये तीनों हैं जो कृषि जलवायु प्रदेश है। निम्न में से किस स्थान पर प्रसिद्ध मढ़ई प्रसिद्ध है? नारायणपुर, नारायणपुर याद रखना, कौन सा है? नारायणपुर। नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की मांग का सर्वप्रथम 1924 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में किसने उठाई थी? पंडित सुंदरलाल शर्मा। पृथक छत्तीसगढ़ तो राज्य का गठन, देखिए फिर से एग्जाम में आ गया है, ये भी बार बार रिपीट हुआ है, तो ये पृथक के बारे में बात करें तो आपका आएगा 1956, जो पृथक महासभा का गठन हुआ था, महासभा का जो गठन किया गया था वही आपका है 1956 में। छत्तीसगढ़ का मातृराज्य, आप सभी को मालूम है छत्तीसगढ़ का मातृराज्य मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ संघर्ष का मूल कारण क्या था? याद रखने एग्जाम में आया है, छत्तीसगढ़ संघर्ष का जो मूल कारण था आपका जमीन, जमीन व पहचान, याद रखना इसको, नोट कर लीजिएगा ना, छत्तीसगढ़ में जो संघर्ष का मूल कारण था जमीन और पहचान, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 1947 में जब स्वतंत्र हुआ उसके समय किसका हिस्सा था? बरार का, किसका? प्रोविंस एंड बरार। छत्तीसगढ़ के गठन हेतु लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत कब किया गया था? लोकसभा में याद रखना, लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत फिर पारित, ये एग्जाम में पूछता है, याद रखना, बिल्कुल नोट करते जाइएगा, बिल्कुल नोट करते जाइएगा। छत्तीसगढ़ के गठन हेतु लोकसभा का जो विधेयक प्रस्तुत किया गया था आपका 25 जुलाई 2000 को, कब किया गया था? 25 जुलाई 2000 को, याद रखना, 25 जुलाई 2000 को विधेयक में प्रस्तुत किया गया था। एक बार फिर से ना, देखिए छत्तीसगढ़ में, एक मिनट ना, चलिए नोट करिएगा, जो छत्तीसगढ़ में गठन हेतु लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया था 25 जुलाई को, कब किया गया था? 25 जुलाई 2000 को, ठीक है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के गठन में विधेयक में लोकसभा में पारित कब किया गया था? तो आपका 31 जुलाई, याद रखना इसको, एग्जाम में पूछता है 31 जुलाई 2000 को, नोट कर लिए, पहले तो नोट कीजिएगा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा में जो प्रस्तुत कब किया गया था? 25 जुलाई को, पारित 31 जुलाई, याद रख, कुछ नहीं करना है आपको, कभी भी छत्तीसगढ़ में गठन हुआ है तो लोकसभा में पूछा गया है प्रस्तुत, 25 को प्रस्तुत किया गया और पारित 31 को, ठीक है, सिंपल याद रखना। अब उसी प्रकार राज्यसभा के बारे में देखेंगे, लोकसभा में देखे थे, अब राज्यसभा में पारित कब किया गया है? 9 अगस्त, याद रखो, 9 अगस्त
बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। और यदि आप देखिए, 1 नवंबर 2000 को पारित किया गया था। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के प्रांत में गठन के समय किस पार्टी सरकार थी, कौन सा पार्टी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, याद रखना भारतीय जनता पार्टी ना। बिल्कुल सही समय पर आए हैं वीडियो पर। भारत के राष्ट्रपति के आर नारायण, जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ एग्जाम में पूछता है, भारत के राष्ट्रपति के आर नारायण ने छत्तीसगढ़ राज्य विधायक कब मुहर लगाई थी? ये आपका 28 अगस्त। मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके व्यापम में पूछे गए हैं, व्यापम और पीएससी में बार बार पूछता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है? कौन है? छत्तीसगढ़ विधेयक पर मुहर कब लगाई थी? के आर नारायण ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ पर विधेयक में मुहर कब लगाई थी? हाँ, 28 अगस्त, बिल्कुल सही। इनका बताइए, मध्य प्रदेश के कितने जिलों पर छत्तीसगढ़ का निर्माण, जब पहले मध्य प्रदेश था उन्हीं के समय? आपका आएगा 16। छत्तीसगढ़ के पहली मनोनीत, छत्तीसगढ़ का पहली मनोनीत एंग्लो इंडियन सांसद आपका मैक लाउड था, मैक लाउड, ठीक है? हाँ बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ के लिए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी थी? छत्तीसगढ़ के लिए राज्यसभा में ना, राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी थी, जल्दी बताइए कितनी थी? बिल्कुल सही, 5। छत्तीसगढ़ लोकसभा की सीटों की संख्या, अभी मैं पूछा था राज्यसभा के लिए, ठीक है, राज्यसभा के लिए कितना है? 5। उसी प्रकार लोकसभा के लिए आपका आ जाएगा 11। एक बार फिर से याद रखिएगा, देखिए छत्तीसगढ़ में राज्यसभा में पूछा जाए, राज्यसभा में राज्य, देखिए ये एग्जाम में कई बार पूछा गया और बच्चे कई बार कंफ्यूज हुए हैं, राज्यसभा में आपका 5, उसी प्रकार लोकसभा में आपका हो जाएगा 11, और दोनों को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 16, जो कि आपका संसद है, संसद बनती है, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर आपका संसद मिलती है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा तथा लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। अब भी आपको पता है लोकसभा की सीटों की संख्या, अगर आपको याद है, बिल्कुल सही है, लोकसभा 11, राज्यसभा आपका 5, दोनों मिलकर बनता है 16, यानी कि संसद। तो देखिए कहीं पर आपको 11 दिख रहा है, लोकसभा की सीटों की संख्या 11, विधानसभा कितना है 90, विधानसभा कितना है 90, लोकसभा 11, राज्यसभा 5। एक बार फिर से नोट कीजिएगा, एग्जाम में आता है विधानसभा आपका 90, लोकसभा आपका हो जाएगा, कमेंट ना करें ना बीच में, लोकसभा आपका हो जाएगा 11 और राज्यसभा आपका हो जाएगा 5, ठीक है? उसी प्रकार संसद से मिलकर बनेगा 16, यानी कि दोनों को मिलाकर 16, विधानसभा 90। यहाँ तक क्लियर हुआ? नए परिसीमन के अनुसार, देखिए जो नए परिसीमन हुआ है उन्हीं के अनुसार अनुसूचित जनजाति लोकसभा में जो निर्वाचित हुए क्षेत्र आपका आएगा 4, ठीक है? और आरक्षित निर्वाचन में, नए परिसीमन के आरक्षित निर्वाचन में जो छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति है तो लोकसभा में पूछा जाए तो आप बताएंगे, एक मिनट ना, ये गलत है, 1 आएगा। अब यहां पर देखिए, नए परिसीमन के अनुसार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 90। परिसीमन के अनुसार विधानसभा में विधायकों की अधिकतम संख्या 91, ठीक है? क्लियर हुआ? हाँ। अब विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा में पूछा गया है अनारक्षित सीटों की संख्या, आप बताएंगे 51, यानी कि 51। उसी प्रकार विधानसभा के अनुसूचित जातियों के लिए, देखिए यहाँ पर अनारक्षित के लिए पूछा गया था, उसी प्रकार यहाँ पर आरक्षित के लिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर 10 लिखिएगा,
क्लियर हुआ? देखिए एग्जाम में कई बार पूछता है ना, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा हत्या को परिभाषित करती है? 300 यानी कि धारा 300 है जो आपके हत्या को परिभाषित करती है। अब देखिए जो परिसीमन के अनुसार बताया गया है, कितनी सीट में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? 29 याद रखना, विधानसभा में कितने सीट के लिए? 29 के लिए, अनुसूचित जाति के लिए ना, बिल्कुल हाँ। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक 13 विधानसभा क्षेत्र में 42 है? रायपुर, याद रखना ना, रायपुर। छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर, बिलासपुर। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पहले से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, डेली क्लास करते रहिएगा। अगर आप ऐसे ही टोटल मेरे साथ अगर 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो आपका 90% कहता हूँ, 90% व्यापम निकल जाएगा, व्यापम निकल जाएगा, ओके। छत्तीसगढ़ राजस्व का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ है? रायपुर। पुलिस मुख्यालय रायपुर में है ना। छत्तीसगढ़ में कुल कितने राजस्व जिले हैं? 18। एक मिनट ना, देखिए ये क्लिक नहीं हो पा रहा था। छत्तीसगढ़ में कुल कितने राजस्व हैं? 18। कथा बनाने के लिए खै, याद रखना, कथा कभी पूछा जाए खै, आंसर डायरेक्ट आना चाहिए। कौन सी लकड़ी है? खैर लकड़ी, गधा, साझा लकड़ी आएगा, कहाँ से आएगा? देखिए 49 का क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी है बेकू, जो हमेशा छत्तीसगढ़ में अधिक पाई जाती है, याद रखना, लाल पीली मिट्टी सबसे अधिक पाया जाता है, लाल पीली मिट्टी, याद रखना, सही ना। सबसे कम कौन सी है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए है ना, टोटल आज का जो क्लास था कंप्लीट हो चुका है, टोटल 50 का। हम देखेंगे फिर CGPSC सॉल्वेट क्वेश्चन 2003 से 2020 तक, है ना, ये जितने भी क्वेश्चन लेकर आया था, आपको पूछा गया था 2003 से लेकर 2020 तक, है ना। अब हाँ, उसके बाद कल हम देखेंगे क्लास में फिर से 50 से 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने पुलिस जिले हैं? 20, ठीक है। अब कल से ये यहाँ से हम क्वेश्चन देखेंगे 51 से लेकर 100 तक, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चाहे आप PSC एग्ज़ाम की तैयारी करें चाहे व्यापम का। अब व्यापम में बहुत सारे एग्ज़ाम आ जाते हैं, जैसे हॉस्टल वाड़ाना हो गया है, SI भर्ती हो गया है, ADO हो गया है ना, आने वाली भर्तियाँ हैं छत्तीसगढ़ में, बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली हैं छत्तीसगढ़ में, बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्लास है आज, आज आपका पहला क्लास है, पहला दिन, ठीक है। नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, नए सिरे से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ऑल पर सेट करके रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। क्लास करते रहिएगा, टाइम 7:30 से 8:30, और जो छत्तीसगढ़ में जो क्लास चल रही थी ना इतिहास का, आपका 9:30, ठीक है। करंट अफेयर की क्लास नहीं होगी, है ना, मैं सिर्फ आपको छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और भारत का सामान्य ज्ञान, यानी कि दोनों टोटल आपका होता है 50 नंबर का। रही बात हॉस्टल वाड़ाने की, रही बात हॉस्टल वाड़ाने की, इसमें 25 नंबर में कंप्यूटर का पास करना ज़रूरी है, टोटल 50 नंबर का आता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू। हाँ, वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, एंड क्लास कंटिन्यू करें ना, ओके, थैंक यू वेरी मच। जितना भी क्लास किए हैं डेली क्लास करते रहेगा, अगर ऐसी वीडियो चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दो, है ना, चलिए थैंक यू।